हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी बीट। तो आज हम सीखेंगे 20 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, मतलब 20 सेंटेंसेस विच आर यूज्ड इन अवर डेली कन्वर्सेशन। वो 20 सेंटेंसेस जिन्हें हम अपनी रोजाना बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस क्या है। उसकी खिंचाई मत करो, डोंट बुली हिम। ओके, तो फ्रेंड्स अक्सर ऐसा होता होगा कि आप सोचते होंगे कि यार खिंचाई करने की इंग्लिश क्या हो सकती है, तो रिमेम्बर इसकी इंग्लिश होगी टू बुली। ओके, उसकी खिंचाई मत करो, इसकी इंग्लिश होगी डोंट बुली हिम। नेक्स्ट, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो। ओके, नेक्स्ट वन, एक कप चाय बना दो, मेक मी अ कप ऑफ टी। फोर्थ वन, आप बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, शॉर्ट टेम्पर्ड उन लोगों को कहते हैं जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या छोटी छोटी सी बात पे उलझ जाते हैं। तो आप बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। ओके, नाउ मूविंग टू फिफ्थ वन, इतना काफी है, दैट्स एनफ और इट्स एनफ। जी हाँ, इसे दो तरह से बोल सकते हैं, पहला दैट्स एनफ और दूसरा इट्स एनफ। ओके, नाउ मूविंग टू सिक्स वन, आराम से बैठिए, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। सेवेंथ, कभी आइए ना, प्लीज ड्रॉप इन समटाइम। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता होगा कि कॉल करते टाइम या कभी रास्ते में कोई आपको मिला तो आपने उसे बोला कि कभी आइए ना, तो आप सोचते होंगे इंग्लिश में इसे कम सम डे या इस तरह से कुछ बोलेंगे, बट नो फ्रेंड्स, इसे आपको इंग्लिश में बोलना है प्लीज ड्रॉप इन सम टाइम। ओके, कभी आइए ना को इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज ड्रॉप इन सम टाइम। जी हाँ, एट वन, संकोच मत कीजिए, डोंट बी फॉर्मल। नाइन्थ वन, आगे रास्ता बंद है, डेड एंड अहेड। फोटो लेना मना है, फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड। जी हाँ, मना है कि इंग्लिश प्रोहिबिट होती है, लेकिन जब वो लॉस की तरफ से मना हो। ओके, तो यहाँ पर फोटो लेना लॉस की तरफ से मना है, गवर्नमेंट की तरफ से मना है, तो यहाँ पर मना है को इंग्लिश में लिखेंगे प्रोहिबिट, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है तो प्रोहिबिटेड यूज हुआ है। तो फोटो लेना मना है कि इंग्लिश होगी फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड। नाउ इलेवेंथ वन, बुरा ना मानिए, डोंट माइंड। ओके, किसी से बोला जैसे कभी कुछ उसे बुरा ना लगे तो उसे बोलते हैं ना डोंट माइंड, तो बुरा ना मानिए को इंग्लिश में ही बोलते हैं डोंट माइंड। जी हाँ, ट्वेल्थ वन, मैं शर्मिंदा हूं, आई एम अशेम्ड। थर्टींथ वन, तुम्हारे ऊपर मुझे तरस आ रहा है, आई फील पिटी फॉर यू। फोर्टींथ वन, मैं जरूर इस बात का ध्यान रखूंगा, I will surely keep in the mind. 15th one, उसका एक्सीडेंट हो गया, He met with an accident. Friends, accident होना को English में हम लोग meeting with an accident करते हैं या to meet with an accident. Okay? तो यहाँ पर past indefinite है, second form है, तो यहाँ पर met use हुआ है, means उसका accident हो गया, इसकी English होगी He met with an accident. Now 16th one, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। 17th, जाने दो, लेट इट गो। जरा रुको, होल्ड डाउन। माफ करना, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। ओके, नाउ मूविंग टू आवर लास्ट सेंटेंस, गाड़ी पार्क ना करें, टो अवे जोन। जी हाँ, गाड़ी पार्क ना करें इसे इंग्लिश में बोलेंगे टो अवे जोन, और आपने अक्सर देखा भी होगा कि कहीं कहीं पार्किंग अलाउड नहीं होती है तो वहां पर लिखा होता है टो अवे जोन। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के 20 सेंटेंसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और डेली कन्वर्सेशन में हम इन्हें अक्सर यूज करते हैं, तो ये आपको पता होने ही चाहिए, यू मस्ट नो देम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मीन्स आपको ऐसा क्या है जो सीखना है। ओके फ्रेंड्स,
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.